Hello student, welcome to our YouTube channel SANRA Advanced Education. आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेकेंड की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रेशम का लेसन 11, जिसका नाम है आत्मसम्मान. बच्चों, इस लेसन के नाम से ही हम पता लगा सकते हैं कि इस लेसन में हम क्या स्टडी करने वाले हैं. आत्मसम्मान मतलब अपना सम्मान, स्वयं का सम्मान. बाकी इस लेसन में हम स्टडी करेंगे बहुत अच्छे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति में आत्मसम्मान की भावना सर्वोच्च होती है, जिससे उसका मस्तिष्क भी प्रेरित होता है. बहुत अच्छे वस्त्र मतलब अच्छे कपड़े पहने हुए जो व्यक्ति होता है उसमें आत्मसम्मान की भावना सबसे ऊपर होती है, ऊंची होती है, जिससे उसका जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, वह भी प्रेरित होता है. आत्मसम्मान एक ऐसी भावना है जो आप में स्वयं की प्रति होती है. जो आत्मसम्मान होता है वो एक ऐसी भावना होती है जो हम लोगों में मतलब हम में स्वयं के प्रति होती है, खुद के प्रति होती है. वह व्यक्ति जिसमें आत्मसम्मान की भावना नहीं होती वह पशु के समान होता है. मतलब जिसमें आत्मसम्मान नहीं होता, आत्मसम्मान की भावना नहीं होती, वह किसी पशु के समान होता है, पशु के बराबर होता है. दूसरे लोग हमारा सम्मान तभी करेंगे जब हम में आत्मसम्मान की भावना होगी. मतलब दूसरे लोग भी हमारा सम्मान तभी करेंगे जब हम में खुद में स्वयं में आत्मसम्मान की भावना होगी. यदि हम में आत्मसम्मान की भावना नहीं होगी तो दूसरे लोग भी हमारा सम्मान नहीं करेंगे. जो जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के प्रति सचेत नहीं है वह कायर व मूर्ख कहलाता है. मतलब जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि नहीं रखता है वह मूर्ख या फिर कायर कहलाता है. लोग उससे ऐसे ही संबोधित करते हैं, लोग उसे ऐसे ही संबोधित करते हैं, मतलब पागल, कायर आदि कह करके उसको संबोधित करते हैं. दूसरे शब्दों में वह व्यक्ति जो अपने आत्मसम्मान के लिए सब कुछ निछोवर कर देता है परंतु किसी के समक्ष झुकता नहीं है, सब उसका सम्मान करते हैं. मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने आत्मसम्मान के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देता है, सब कुछ छोड़ देता है, निछावर कर देता है और किसी के सामने भी झुकता नहीं है, उसका हर जगह सब लोग सम्मान करते हैं. उसके आत्मसम्मान के विरुद्ध बोलने का कोई साहस नहीं करता कर सकता. मतलब कोई भी व्यक्ति उसके आत्मसम्मान के विरुद्ध नहीं बोल सकता. वह स्वयं ही दूसरों का सम्मान करता है, उसमें स्वयं ही अच्छी तहजीब व सलीका होता है. मतलब दूसरे लोगों से वो अच्छे तरीके से तहजीब से बात करता है, अच्छे तरीके से बात करता है. आत्मसम्मान से तात्पर्य केवल स्वयं के अपने सम्मान से नहीं है. मतलब आत्मसम्मान जो होता है उससे तात्पर्य, उसका अर्थ केवल स्वयं का खुद का ही सम्मान नहीं है. अब इसको हम समझेंगे कि आत्मसम्मान से क्या तात्पर्य, आखिर इसका अर्थ क्या है. आत्मसम्मान के अंतर्गत अपने समाज, जाति, धर्म और मातृभूमि के प्रति सम्मान भी शामिल है. मतलब आत्मसम्मान जिसमें हम अपने समाज के प्रति या फिर जाति, धर्म या फिर मातृभूमि के प्रति सम्मान करते हैं, आत्मसम्मान के अंदर आते हैं. यह आवश्यक नहीं है कि केवल धनवान और शिक्षित लोगों का ही आत्मसम्मान पर अधिकार है. मतलब केवल जो धनवान, धनी व्यक्ति हैं, जिनके पास बहुत पैसा है या फिर बहुत ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं, केवल आत्मसम्मान पर उन्हीं का ही अधिकार नहीं है. एक गरीब और अशिक्षित व्यक्ति में भी आत्मसम्मान हो सकता है. एक गरीब या फिर अशिक्षित जो पढ़ा लिखा नहीं है उसमें भी आत्मसम्मान की भावना हो सकती है. अब इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे. एक कहानी दी गई है, इसमें सिकंदर और पोरुस के उसके माध्यम से आत्मसम्मान को हम समझेंगे. सिकंदर महान ने राजा पोरुस पर आक्रमण किया था जो आत्मसम्मान से परिपूर्ण था. वह अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार हो गया परंतु झुका नहीं, जबकि वह जानता था कि सिकंदर बहुत ही शक्तिशाली है. सिकंदर एक महान राजा सम्राट हुए हैं, उन्होंने पोरुस, राजा पोरुस पर आक्रमण कर दिया था, जो कि जिनमें मतलब आत्मसम्मान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, आत्मसम्मान से परिपूर्ण थे वो. उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया लेकिन वो उसके सामने झुके नहीं आत्मसम्मान के कारण. तक्षशिला का हिंदू राजा पोरुष के विरुद्ध सिकंदर की मदद कर रहा था परंतु
पंचनंद नरेश पोरुस ने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की कीमत पर सिकंदर से कोई समझौता नहीं किया। वह सिकंदर से बड़ी बहादुरी से लड़ा, परंतु भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया और वह सिकंदर से पराजित हो गया। शत्रु के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे सिकंदर के समक्ष ले जाया गया, परंतु वह शत्रु के आगे झुका नहीं। देखिए, जो सिकंदर थे उनकी मदद एक हिंदू राजा भी कर रहे थे, जो कि पोरुस के राज्य में से थे, जिसकी वजह से मतलब उनको बंदी बना लिया गया था। वो उनसे हार गए थे सिकंदर से, लेकिन वो उनके सामने फिर भी झुके नहीं थे। पराजित हो गए थे लेकिन वो झुके नहीं थे। जो सिपाही थे, सिपाहियों के द्वारा उनको उसके सामने ले जाया गया था, और उसके आगे की स्टोरी हम इसमें पढ़ेंगे। सिकंदर ने उससे पूछा, पोरुस अब तुम राजा नहीं हो। सिकंदर जब पोरुस पराजित हो गए थे और उनको उनके सामने ले जाया गया था, पेश किया गया था, तभी सिकंदर ने पोरुस से पूछा कि पोरुस अब तुम राजा नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे कैदी हो। मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ और तुम्हें तुम्हारा राज्य भी वापस दे सकता हूँ, यदि तुम मेरे साथ एक समझौता कर लो। लेकिन पोरुस नहीं माना। वह अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता को खोने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हुआ। देखिए, जो सिकंदर थे उन्होंने उनके सामने एक शर्त रख दी कि तुम मुझसे समझौता कर लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अभी तो तुम मेरे सिर्फ कैदी हो, लेकिन अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं तुम्हारा राज्य भी तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन एक समझौता तुम्हें मेरे साथ करना पड़ेगा। लेकिन आत्मसम्मान के चलते पोरुस ने उनकी बात को नहीं माना, और क्योंकि उनको अपनी मातृभूमि से प्रेम था, वो अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। फिर सिकंदर ने पोरुस से पूछा, अब तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब उन्होंने उनकी बात को नहीं माना, मतलब समझौता करने के लिए वो तैयार नहीं हुए, तो सिकंदर ने पोरुस से पूछा कि अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए। पोरुस ने तुरंत जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पोरुस ने उनको जवाब दिया कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा कि एक राजा दूसरे राजा के प्रति करता है। आत्मसम्मान से भरे इस बहादुरीपूर्ण जवाब से सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और उसने पोरुस को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया। साथ ही उसने पोरुस को पूरी स्वतंत्रता के साथ उसकी राजधानी भी लौटा दी। इस प्रकार उसने पोरुस के साथ मित्रता कर ली। देखिए, किस प्रकार से जो पोरुस थे उन्होंने अपने आत्मसम्मान को रखा, किस कदर उसमें उनमें आत्मसम्मान की भावना भरी हुई थी। इस बहादुर के साथ उन्होंने अपना राज्य भी प्राप्त कर लिया और सिकंदर के साथ दोस्ती भी, मतलब मित्रता भी कर ली। उनके इन शब्दों से वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे सिकंदर, जिनकी वजह से उन्होंने उनको छोड़ दिया और उनका राज्य भी वापस लौटा दिया। तो ये थी आज की कहानी सिकंदर और पोरुस की। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, ये लेसन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।